हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी एक साथ कई लोगों से बातें करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हम कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे कर सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे हमें जो है कॉन्फ्रेंस कॉल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम अपने कॉल पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है टेम्पररी कोई भी कस्टमर केयर का नंबर आपको डायल करके बताने वाले हैं। आप चाहें तो अपने कोई भी नंबर से ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम कोई भी एक नंबर डायल कर लेते हैं जिसपे हमें कॉल लगाना है। चलिए हम 121 पे डायल कर लेते हैं और यहाँ पे जो है कॉल लग चुका है। आप देख सकते हैं स्पीकर पे मैं कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल यहाँ पे लग चुका है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड कॉल का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे हमें क्लिक करना है। आप सभी में ये ऑप्शन दिखेगा तो यहाँ पे हमें ऐड कॉल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट नंबर होगा जिसपे आप कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं वो नंबर डायल करेंगे। चलिए यहाँ पे हम डायल कर लेते हैं, फिर उसी सिम से कॉल कर लेते हैं। और कॉल करते ही आप देख सकते हैं पहला जो नंबर था वो होल्ड हो गया है और यहाँ पे दूसरा जो नंबर हमने लगाया था उस पे कॉल लग चुका है। अब यहाँ पे आप सभी को एक ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कुछ ऑप्शन शो होगा जिसमें आपको एक मर्ज का ऑप्शन दिखेगा। ये मर्ज का ऑप्शन आपको ऊपर में भी देख सकता है सैमसंग के फोन में, तो कहीं भी होगा स्क्रीन पे आपको कहीं ना कहीं दिखेगा, तो आपको मर्ज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों जो कॉल है वो अब कॉन्फ्रेंस पे हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आवाज आप इसका सुन सकते हैं कि किस तरह से जो है दोनों तरफ से आवाजें आ रही है और दोनों तरफ आवाज जो है जा रही होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने आसानी से जो है हमने कॉन्फ्रेंस कॉल कर लिया है। आप चाहें तो और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जितना चाहे इतना ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप और भी ऐड करके सभी को और मर्ज पे क्लिक करके सभी को ऐड कर सकते हैं और सभी के साथ बात कर सकते हैं एक साथ। चलिए इसे हम कट कर देते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने आसानी से जो है हमने कॉन्फ्रेंस कॉल करना सीख लिया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।